हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वाली कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, साथ ही में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज इजी वाली कुकिंग को भी जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की हमारी रेसिपी है वेज फ्राई की। बहुत ही टेस्टी होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए है 1 कप गेहूं का आटा, 4 आलू उबालकर मैश किए हुए, टोमेटो केचप, नमक, आमचूर पाउडर, 1 शिमला मिर्च स्लाइस की हुई, 1 गाजर स्लाइस किया हुआ, 2 प्याज स्लाइस किए हुए, पत्ता गोभी, बारीक कटा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 4 से 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1 कप मैदा, पुदीना चटनी। पुदीना चटनी की रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ लिंक। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं वेज फ्रैंकी बनाने की प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम फ्रैंकी के जो शीट्स बनाते हैं उसके लिए लगने वाला आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब उसमें मैं 1 कप मैदा ऐड करूँगी। आप चाहे तो पूरा मैदा या फिर पूरा गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच तेल। मिक्स करेंगे इन्हें अच्छे से। आटे को मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। आटा रेडी हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं, सेमी सॉफ्ट मैंने इसे भून के लिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे। आटे को मैंने कवर करके 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया है। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो पैन में मैंने तेल गरम करके ले लिया है 2 चम्मच। तो अब हम इसमें बारीक कटा लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देते हैं बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च। अच्छे से इन्हें भून लेंगे। अदरक लहसुन और मिर्ची को मैंने अच्छे से भून के ले लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आप अगर चाहे तो फ्रैंकी मसाला रेडीमेड बाज़ार में अवेलेबल होता है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो अभी हम जो मसाले ऐड करने वाले हैं वो मसाले आप ऐड कीजिए, आपका फ्रैंकी मसाला रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। बस यही फ्रैंकी मसाला होता है। मिक्स करेंगे मसालों को अच्छे से। मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबालकर मैश किए हुए आलू और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। हमने जो आटा गून के लिया है उसमें भी नमक है और हम स्टफिंग में भी नमक मिला रहे हैं, तो नमक की क्वांटिटी हम यहाँ पर ज़रा कम इस्तेमाल करेंगे। मिक्स करेंगे इन्हें अच्छे से हम। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं बारीक कटा हुआ और इसे एक बार अच्छे से मिलाएंगे और गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा रेडी हो चुका है। बस एक बार हम इसे ऐसे मसल लेंगे। ओके, अब हम इसकी छोटी छोटी लुइयां बनाएंगे, जैसे कि हम चपाती के लिए बनाते हैं उस साइज की।
इस तरह से हम इसकी लुइया बना लेते हैं। मैंने आटे की लुइया बना के ले ली है, अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो एक लुई मैंने यहाँ पे ले ली, सूखा मैदा यहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हो। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे, जैसे हम नॉर्मली चपाती बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से, जितना पतला हो सके उतना हम इसे बेलेंगे। मैंने इसकी रोटी बेल के ले ली है, आप देख सकते हो। अब इसे हम साइड में रखेंगे और इसी तरह से बाकी की रोटियां भी बेल लेते हैं। सभी रोटियां मैंने बेल के ले ली है, तो अब हम रोटियों को सेकने वाले हैं। तो मैंने तवा गरम करके ले लिया है, तो अब हम इसमें रोटी डाल देंगे और दोनों साइड से इसे हम पकाने वाले हैं। पर ध्यान रखें, हमें इन्हें पूरा कुक नहीं करना है, 70% हम इसे कुक करेंगे और बाकी का हम बाद में जब इसे गर्म करेंगे तब कुक कर लेंगे। एक साइड से इसे मैंने सेक लिया है, अब हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं रोटी अच्छे से फूल चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बस हमें इसे इतना ही सेकना है और इसी तरह से हम बाकी की रोटियां भी सेक लेते हैं। फ्रैंकी शीट्स को मैंने रेडी करके ले लिया है और अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी टिक्की बनाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि स्टफिंग टिक्की बनाते वक्त हाथों में स्टिक ना हो। तब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, इस तरह से इसे शेप दे देंगे, ओवल शेप दे देते हैं इसे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। ओके, एक और बना के बताती हूँ, साइड में रख देंगे। थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे, ओवल शेप दे देते हैं और इसे प्रेस कर देते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम बाकी के मिक्सचर का भी और टिक्की बना लेंगे। टिक्की को मैंने रेडी करके ले लिया है इस शेप में, आप देख सकते हो इस तरह से। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, तो तवे पे मैंने तेल गरम करके ले लिया है। अब हम इसमें टिक्की रख देते हैं। टिक्की को हमें दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। 2 मिनट के लिए नीचे से अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। ओके, हमारी टिक्की दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के टिक्कीज भी हम फ्राई कर लेंगे। हमारी टिक्कीज रेडी हो चुकी है, अब हम फाइनल प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तब तवे पर मैं 1 चम्मच तेल डाल देती हूँ और इस पे ये जो हमने शीट रेडी करके ली थी वो डाल दूंगी। अब हम इसे कुक कर लेते हैं। तो हमारी शीट दोनों तरफ से अच्छे से पक चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी फ्रैंकी बनाएंगे। हमारी शीट्स रेडी हो चुकी है, अब हम इसे एक साइड में पुदीना चटनी लगा देंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, और एक साइड पे हम टमाटो केचप लगा देंगे, इसे चटपटा स्वाद आएगा। तो जब भी हम फ्रैंकी खाएंगे तो चटनी की वजह से तीखा और केचप की वजह से चटपटा स्वाद आएगा। ओके, अब हम इसके ऊपर ये हमने जो टिक्की बना के लिए वो रख देते हैं। ओके, अब हमने जो ये सब्जियाँ ली है वो इसके ऊपर डाल देंगे हम। तो सब्जियाँ आप अपने पसंद से ले। तो पहले हम शिमला मिर्च डाल देते हैं
अगर आप शिमला मिर्च नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर दें। गाजर डाल देंगे, पत्ता गोभी डाल देते हैं। अगर पत्ता गोभी भी आपको कच्चा खाना पसंद नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। और प्याज डाल देंगे। ओके, जब हम इसे इस तरह से रोल कर देते हैं, तो हमारी फ्रैंकी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बटर पेपर ले रही हूँ, आप चाहे तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे बटर पेपर में कवर कर देते हैं। ओके, तो हमारी बिल्कुल स्ट्रीट स्पेशल फ्रैंकी, वेज फ्रैंकी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी के फ्रैंकीज भी रेडी कर लेते हैं और इन्हें सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की डिश वेज फ्रैंकी। आप भी ये डिश घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।